हाँ तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जेट, जो आज 19 जून को जो जेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में, तो बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो जो दूध में तत्व की कमी होती है वो होती है आयरन की। आयरन की कमी पाई जाती है दूध के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड एवं एंथोसाइनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कुफरी मानिक। कुफरी मानिक इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फसल सुधार। फसल सुधार जो होता है वो भाग बगीचा के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीरा और धनिया। जीरा और धनिया जो है वो शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं। नेक्स्ट है, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? जो ये बीमारी होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय के कारण ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान है, धान क्या है? एक स्व परागित फसल है। धान कैसी फसल है? स्व परागित फसल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है। तो मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है सामान्य से कम। क्या होता है? सामान्य से कम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या तना कलम का प्रकार नहीं है? इसमें पूछ रहा है ये तना कलम का कौन सा प्रकार नहीं है। तो जो रूट कटिंग होता है, रूट कटिंग वो एक तना कलम या कटिंग का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में जल के नीचे की ओर गति को कहते हैं, यानी कि मृदा के अंदर जो जल का बहाव नीचे की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परकोलेशन। कुछ विद्यार्थी लीचिंग करके आए हैं, तो लीचिंग इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा परकोलेशन। नेक्स्ट है, पुरानी पत्तियों का अंतःशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम के पोषक तत्व के कारण। नेक्स्ट है, उड़द का वैज्ञानिक नाम है। उड़द का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विग्ना मुंगू। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विग्ना मुंगू। नेक्स्ट है, रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वर्ग प्रणाली की तुलना में प्रतिशत अतिरिक्त पौधों को समायोजित कर सकती है, यानी कितने प्रतिशत को कर सकती है? 15% को। नेक्स्ट है, कर्तनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोल-3-ब्यूटायरिक अम्ल। जो कर्तनों की होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है, मेथी का कुल है, मेथी का कुल होता है फेबेसी। नेक्स्ट, रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? तो रानीखेत बीमारी होती है कुकुट, कुकुट के अंदर यह बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को गरीब के भोजन के रूप में जाना जाता है? तो जो बाजरा होती है, बाजरा की फसल जो होती है उसे गरीब के भोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो रेटिंग जो होती है, रेटिंग के द्वारा जूट का रेशा निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एजिटोबैक्टर है। एजिटोबैक्टर क्या है? एजिटोबैक्टर होता है एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ओस मापने के लिए होता है ड्रोसोमीटर ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प सामान्यतया विच्छन पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गेंदा। गेंदा जो होता है वो विच्छन पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस PGR का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो इथिलीन होता है, उसको फल पकाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 60।
नेक्स्ट है, बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है? तो इसका है बडिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्का रक्षक किसकी किस्म है? अर्का रक्षक किस्म है टमाटर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उड़द या मूंग द्वारा मिट्टी में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का स्थिरण होता है? तो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर होगा, 50 से 55। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन इसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? क्रोम के द्वारा। नेक्स्ट है, फूल गोभी में विप्टेल किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, मोलिब्डेनम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप सीड और सरसों का 1000 बीज वजन है 3 से 5 ग्राम, पालक कौन सी वानस्पतिक परिवार का है? तो इसका राइट आंसर होगा, चिनोपोडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है? उचित तापमान होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? इसका राइट आंसर होगा, भैंस। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा, राइजोबियम ट्राइफोलाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक गोष्ठीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, भारत। दो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता बकरी के वैक्स नर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा, बक। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आंसर की क्वेश्चन की वीडियो के अंदर।